कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन लखटकिया सवाल ये है कि सिंधिया और बीजेपी के बीच आखिर किस नेता ने डील कराई? पर्दे के पीछे वो कौन था जिसने बीजेपी आला कमान तक सिंधिया की बात पहुंचाई? ये सवाल भी सबके जेहन में कौंध रहा है कि आखिरकार वो कौन है जिस पर पार्टी हाई कमान इतना भरोसा करती है, जिसके भरोसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। अब इन तमाम सवालों पर से पर्दा हट गया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से निकालकर बीजेपी तक लाने और फिर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम मीडिया के लिए जाना माना चेहरा है। वे टीवी चैनलों पर डिबेट में हर रोज बीजेपी का पक्ष रखते दिख जाते हैं। राजनीति में एंट्री मारने से पहले जफर इस्लाम एक बैंक के लिए काम करते थे और लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन पीएम मोदी से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज पीएम मोदी से जफर इस्लाम के अच्छे ताल्लुकात हैं। जफर की वजह से आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। जफर इस्लाम और सिंधिया लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। पहले भी दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस आला कमान द्वारा कमलनाथ को सीएम की कुर्सी दिए जाने के बाद सिंधिया को पार्टी में साइडलाइन किए जाने लगा। ऐसे में खुद सिंधिया ने जफर इस्लाम से कहा कि वे अब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। सिंधिया के इस पेशकश को जफर इस्लाम ने पार्टी आला कमान तक पहुंचाया। इसके बाद सिंधिया को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी गई और फिर जफर इस्लाम को बीजेपी हाई कमान ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी दी। सिंधिया की मोदी और शाह से मुलाकात के वक्त भी जफर इस्लाम मौजूद रहे। पिछले 5 महीने से सिंधिया को बीजेपी में लाने के सिलसिले में जफर इस्लाम उनसे मिल रहे थे। जानकारी के मुताबिक हाल के समय में ज्योतिरादित्य और जफर की लगातार 5 बैठकें हुई थी और आखिरकार कांग्रेस को झटका देकर सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ कांग्रेस से 22 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।